हेलो, आज हम लोग एक नया ब्रोकर का रिव्यू करने वाला है। उसका नाम है एम स्टॉक। यह है मीरा एसिड, जो 25 ईयर्स से मार्केट में उपलब्ध है। ठीक है, तो हम लोग इसका ब्रोकर का बात करेंगे, राइट। इसका दो टाइप का ब्रोकरेज है। यहाँ पे जाएंगे मीरा एसिड का जो मेन फंडा क्या है, देखो, जीरो ब्रोकरेज देन लाइफ टाइम 99 ओनली वन टाइम पे विथ स्टॉक बाय मीरा एसिड, जो म्यूचुअल फंड है, जो एक फंड हाउस है। तो इन्होंने क्या क्या सिस्टम लिया, क्या 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 ब्रोकर में काम कैसा होता है, इसका मतलब इसका यूजर फेस क्या है, मैं बताता हूँ। एम स्टॉक जो है ये मेनली ब्रोकर जीरो है, इस रीजन से यहाँ पे आदमी आएगा। क्योंकि अगर हम जीरोदा में जाएंगे, सपोज जीरोदा में जाएंगे, फायर में जाएंगे, शेयर खान में जाएंगे, SBI कैप सिक्योरिटी, इंजल ब्रोकर, आप स्टॉक एक्सेट्रा जितना भी है, सब में क्या है, चार्ज लगा के बैठा है। पर ट्रेड 20 रुपीज कोई ब्रोकर में, 15 रुपीज कोई में, 10 रुपया है। जैसे नया एक आ गया, उसका क्या नाम है, क्या नाम है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या है। जैसे ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज करता, वो भी फायर जैसा ही है, मतलब यूजिंग है। उसका नाम क्या है, मैं एक सेकेंड बताता हूँ। वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। अभी देखो नया जो है, IQ साइड यहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, और ये के लिए यूज होगा। इसका ब्रोकर मतलब कितना में खोलता है, कैसा है, लाइफ टाइम फ्री कैसा ले जाता है। और जैसे ट्रेडिंग व्यू का अंदर एक फायर है यूज करता मैन्युअली, में उसको वो अलग है फायर, उसको बहुत धन धन भी आता। नया है प्लेटफॉर्म फायर, तो अभी कहीं पुराना होने वाला है थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी तो 2000 कितना में, अभी तो 7-8 साल हो गया फायर का। जीरोधा का भी वही हालत है, शेयर खान का 20 साल हो गया, SBI कैप सिक्योरिटी है, फायर, मतलब एक्सेलेटर जितना भी है सारा, सबका सब ब्रोकर चार्ज लेके बैठा है। तो इसमें जीरोधा में थोड़ा कम चार्ज होता है, फायर में ये सर जीरो ब्रोकर चार्ज है, राइट, थोड़ा कम करता है जो इक्विटी डिलीवरी में। और जो शेर खान है इसमें तो ज़्यादा है, SBI में भी ज़्यादा है। ये शेर खान में अगर आप ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करता, उसका अलग प्लान है, बातचीत करके उसको कम कर सकता है, वो अलग प्लान रहता है। जीरोधा में भी नंबरशिप प्लान है। तो जो भी है नंबरशिप प्लान, कुछ भी करो, है तो पे पैसा करना पड़ता पे ना। तो इस ब्रोकर हाउस में क्या है, लाइफ टाइम AMC चार्ज, फ्री ब्रोकर, जीरो मेंटेनेंस, कुछ नहीं। ठीक है, ओनली वन टाइम पे करना है आपको। कितना वन टाइम, कितना पे किया, फर्स्ट 99 ओनली वन टाइम फ्री, ठीक है। और 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है इसका, 5 यहाँ पे मल्टीपल क्या दिया वो, नो ब्रोकरेज, नो कॉस्ट, फ्यूचर विदाउट ब्रोकिंग, कोई भी ब्रोकाउन नहीं है। जो प्लान है आप ये यूज करना, जीरो ब्रोकरेज, नो फ्री इंट्राडे डिलीवरी, ऑप्शन फ्यूचर, म्यूचुअल फंड, अभी म्यूचुअल फंड ऐड हो रहा है, आने वाले समय में कैसा अपडेट होता है वो भी बताएंगे। फंड IPO करेंसी, और इसमें कमोडिटी नहीं आता, ऐसे कमोडिटी जो जाएगा आप यहाँ पे चार्ट में, अगर कमोडिटी लिखेंगे, कमोडिटी नहीं है MC, इसमें है BSE NSE जो भी है एक्सचेंज, उसके बाद अलावा, इसके अलावा आपको कमोडिटी नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, तो कमोडिटी बिल्कुल नहीं रहेगा। कमोडिटी के लिए आप फायर ठीक है, क्योंकि फायर में आप पैसा ला एक जगह रखे, तो एक आप स्टॉक में भी, आप ट्रेड ऑप्शन में, फिर कमोडिटी में भी, एक जगह पैसे रखने से हर जगह हो जाएगा। जीरो तो में ऐसा नहीं है, अलग अलग रखना पड़ेगा, इसीलिए फायर ठीक है। वन ग्लोबल ब्रांड, ठीक है, एक ग्लोबल ब्रांड है ये, 25 ईयर्स से मार्केट में है, फ्यूचर ऑप्शन क्रांची जो भी है सर। और उसके बाद यहाँ पे ग्लोबली जो है, इसका ग्लोबली बोले तो आउट ऑफ कंट्री, अभी उसको ओपन द डेमन, अभी इसको देख के देखना पड़ता लिंक कहाँ कहाँ आ रहा है। ये ग्लोबली ब्रांड है, ठीक है, और बहुत सारे सिंगापुर है यहाँ पे, फिर साइना पे भी है, उसको देखना पड़ेगा पूरा वेबसाइट, फिर नीचे क्लिक कर देखना पड़ता, अभी वो सब।
आउट ऑफ कंट्री छोड़ देंगे, अभी इंडिया का बात करूंगा। इसमें है जीरो ब्रोकरेज, कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगने वाला है आपको, एक रुपये भी। जैसे हम ऑप्शन में, सपोज हमने ऑप्शन में ना यहाँ से अगर बाय करेंगे एक लॉट, तो हमको क्या लगने वाला है यहाँ पे, एक अगर एक लॉट बाय किया तो अगर मेरे को क्या लगेगा, 20 रुपये ब्रोकर चार्ज लगेगा। जीरो द लो, फायर लो, एंजल ब्रोकर लो, शेयर खान लो, या SBI कैप सिक्योरिटी लो। ये SBI का ज़्यादा लेता है और शेयर खान पर भी ज़्यादा पड़ता है, जो फायर जीरो द आप स्टॉक वगैरह वगैरह एंजल ब्रोकर। सो इसमें क्या होता है, 20 रुपीज़ पर ट्रेड में लेता है, तो बाय करने के लिए 20 रुपये, सेल करने के लिए 20 रुपये। ऊपर से क्या है, सेबी का टैक्स है, 15 रुपये हो जाएगा। सपोज 10 रुपये नहीं, 15 का अंदर ही पकड़ लो, तो ओवरऑल ट्रेड 45 का अंदर आ जाएगा। मतलब बाय एक्सेल तो इसमें 50 रुपये पकड़ लेना, तो गया खत्म, 50 रुपये खत्म। ये जो 50 रुपये आपको यहाँ नहीं लगने वाला है, जो 20 रुपये भी 40 रुपये ब्रोकर ले ले जाता है एक एक लॉट में, तो ये 20 रुपया 40 रुपये आपको नहीं जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रुपया कट कर सकता है, सभी का तरफ से जो ब्रोकर चार्ज लगता है 0.0 कितना होता है वो आपको लगने वाला है, ठीक है। और इसका मेन रीज़न तो यही है, मतलब ब्रोकर फ्री है। इसका यूज़र फेस क्या है मैं बताता हूँ। यूज़र फेस लिए देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया, तो इसका यहाँ पे काट देता हूँ, जीरो ब्रोकरेज है। और ये ब्रोकरेज मेन प्लान क्या है, मैंने क्या कौन सा प्लान लिया दिखा देंगे आपको एक बार। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया MS स्टॉक, मैंने कितना पे किया राइट, आप लोग को देखो मैं दो तरह से प्लान लिया है। अभी इसका देखो, ये एम स्टॉक, सॉरी अभी यार विराज किधर है, चल एम स्टॉक है, ये देखो एम स्टॉक का मैंने ये इसको लिंक किया है रिजर्व पे द्वारा, वो जब रिजर्व पे जो है उसका अकाउंट के ऊपर रिजर्व पे का जो भी पैसे ऐड करते हो रिजर्व पे, तो वन टाइम अगर 1 लाख लगाएगा, 10 लाख, 20 लाख जो भी आप पैसे लगाएगा उसमें 10 रुपये ही लगता है। 5 लाख भी देखो, 10 लाख भी लगाओ, वन टाइम वो 10 रुपये चार्ज करेगा ही वो, ठीक है। और 100 रुपये भी डालेगा तभी 10 रुपये, 500 रुपये डाला वो भी 10 रुपये, मतलब 9 रुपये 80 पैसा कितना है उसके पास, उसका अंदर 18 रुपये का GST काटता वगैरह वगैरह, ठीक है, टोटल 10 रुपये पकड़ लेना। तो मैंने क्या किया, इसका अगर इसका दो प्लान है राइट, 199 एक प्लान है जो जिंदगी भर ब्रोकर चार्ज फ्री है, और एक प्लान क्या है AMC जो 3 मंथ में, 1 क्वार्टर में 140 रुपीज़ कितना देना पड़ता, तो वो भी मैंने इसको निकल दिया। क्योंकि अगर मैंने लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो 140 रुपीज़ मैं इसको देने वाला नहीं हूँ 3 मंथ में। मैंने क्या किया, इसमें और भी 990 रुपीज़ पे कर लिया, ओनली 99, मतलब 1000 रुपये से 1 रुपये कम है, 99, ठीक है, 999 रुपीज़। तो यहाँ पे 2000 यहाँ आता राइट, 2000 से 2 रुपये कम आता, तो 2000 ही पकड़ लूँगा। इसके साथ 414 रुपीज़ जो है ये क्या काट किया, ये GST काट किया है, जो GST टैक्स लगता है वो रिजर्व पे द्वारा काट को हो जाता है, ठीक है। और ये GST लग के मेरे को 2414 रुपीज़, और ये जो ब्रोकर है लाइफ टाइम मेरा फ्री है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, लाइफ टाइम ब्रोकर फ्री है। इसमें ऑप्शन ट्रेड करने वाला हूँ मैं, और इसको कैसे ट्रेड करेंगे, और आने वाले समय में क्या होता है, अभी फिलहाल इस फ्यूचर नहीं है, आने वाले समय में ये फ्यूचर कंपनी द्वारा आपको मिल जाएगा। हमारा ये सब देखने का कुछ भी ज़रूरत नहीं, हमको इतना फ्यूचर नहीं चाहिए, हमको चाहिए बास्केट ऑर्डर, और हमारा चाहिए GTD ऑर्डर गुड। तो और PNL रिपोर्ट तो ऑलरेडी है, और रेफरल लिंक से क्या करेंगे, और मार्केट ऑर्डर्स ऑप्शन यहाँ पे जो भी है चलता, मतलब हमको बास्केट ऑर्डर चाहिए बस, जीट गुड ट्रेड लीगर दो ऑप्शन हुआ तो बस है, इसको कुछ नहीं लगेगा मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए इसमें ऑप्शन से, ना 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 दूसरा ब्रोकर से ले लेंगे, उसमें क्या है, ठीक है। ये आने वाला समय में अपडेट होने वाला है जो काम चल रहा है, तो इसका मेन मुद्दा में आता हूँ, इसका काम क्या है, ये है इसका मेन है इंटरफेस। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से नाम आएगा, फंड यहाँ पे एडिकेट्स है, रिपोर्ट में आप जाके फिर यहाँ पे फंड समरी देख सकते हैं, ये कौन सा लेजर, जैसे फायर में भी है, जीरोधा में भी रहता है, जैसे किस काम के लिए कौन सा है मार्जिन, कौन सा यूज हुआ, किधर हुआ, कितना लॉस, कितना प्रॉफिट, मार्जिन है, लेजर है। उसके बाद आपने यहाँ लेजर में जाना, लेजर में देखो हम 500 रुपया ऐड किया,
509 रुपया कितना या 99.44 रुपीज़ टैक्स हमारा रिजर्व पे से ऐड हुआ ना, तो फास्ट अगर हमें 1 लाख लगाएगा तो अभी वो 9 रुपीज़ 10 रुपये लगता। तो मैंने 500 रुपये डाला फर्स्ट ऑफ ट्राई के लिए, मैंने वहाँ पे 2,441 रुपीज़ काट किया, उसके बाद 500 रुपये ऐड किया, अभी तक मेरा अकाउंट में आ गया था, देखा आया था, फिर यहाँ से पता नहीं अंदर क्या ऐसा है, दिखा नहीं रहा अभी। अभी 2-3 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट। अभी अकाउंट का यूजर आईडी लॉगिन दे दिया सभी तरफ से, मतलब वो अपना ब्रोकर तरफ से, और जो क्लाइंट आईडी भी प्रोवाइड किया, जो रजिस्टर्ड अभी तो वो प्रोसेस है फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए, कैश में तो बिड नहीं कर सकते 2-3 दिन का अंदर, तो कैश में मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, कुछ भी ट्रेड नहीं करना, बस ऑप्शन बाय सेल, बस इतना ही काम है मेरा यहाँ पे। और कैश में तो उधर है, अलग अलग अकाउंट है, जीरो है, ये तो बिल्कुल फ्री है, फिर भी देखें आगे वाले क्या होता है, अभी तो नया है और आगे वाले टाइम होता है तब आएंगे इसमें, अभी नहीं। ऑप्शन में भी ज़्यादा पैसे नहीं लगाएंगे यहाँ पे, कम करके लगाएंगे, फ्री हो तो क्या हो, पूरा ला के आएंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किसी को छोड़ नहीं सकता ये प्लेटफॉर्म। आपको ये आईपीयू है, अभी फिलहाल काम हो रहा है आईपीयू में, आईपीयू अभी अपडेट नहीं हुआ, आगे वाले टाइम टाइम हो रहा है, अब आईपीयू में अभी काम नहीं चलेगा। लीजर में आपको हिस्ट्री, जब आप बाई सेल करेंगे तो इसका हिस्ट्री रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बाई किया इन्ना नोग है, ये नोटबुक है, क्या क्या है, पूरा हिस्ट्री आ जाएगा आपको बाई सेल करने के बाद। इसमें फंड आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आपको कितना लॉस है एंड द प्रॉफिट यहाँ पे देगा, जब आप बाई सेल करेगा टोटल इस करेंट वैल्यू माइनस टोटल पोजिशन कौन सा बना, या एम टू एम प्रॉफिट जो लॉस है ये यहाँ पे देखा, ठीक है, या फिर जो आपका मेन बैलेंस वगैरह है, प्रॉफिट कितना स्टॉक शेयर लिया हो ना, ऑर्डर फेस यहाँ पे, ऑर्डर वास्ट लिस्ट में आप कौन सा भी सेव कर सकते हो। यहाँ पे वास्ट लिस्ट में एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पे ना आप इंडेक्स को आप सेव नहीं कर सकता, यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर को सेव करो, स्टॉक फ्यूचर स्टॉक को सेव कर सकता है, इंडेक्स आप इसमें नहीं सेव कर सकता है। इंडेक्स को आप जब सेव करेगा ना तो इंडेक्स जो इंडेक्स है इस साइड में दे दिया है ऑलरेडी, इसको मैन्युअली बना के रखा है यहाँ पे, जो आपको बनाने का जरूरत नहीं, मगर इंडेक्स क्यों नहीं दिया यहाँ पे, ऐड नहीं कर सकते, जब हम इंडेक्स को जाएंगे तो अलग टाइप में चार्ट लेके जाता। और इसका यहाँ पे देखो इस तरह से आप क्या करना, एक जगह ये ऐसा आ जाएगा आपको फेस, ठीक है, आप 15 मिनट ये डे ही रहेगा, फिर आप मल्टीपल यहाँ पे मल्टीपल चार्ट आप ओपन नहीं कर सकता, एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे, अपना जैसे फायर में मल्टीपल चार्ट ऑन करेगा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं, जब बड़ा करेगा। और नीचे क्या है आपके लिए ऑप्शन सेन है, जिस तरह यह नीचे ऑप्शन सेन है, ठीक है, ये ऑप्शन सेन से आप क्या करना, बाय सेल कर सकते हैं कुछ भी, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस ऑप्शन सेन को यूज़ करने के लिए। देखो जा भी नहीं रहा है, अभी किस साइड में देखें सेल, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सेन देखो नहीं जा रहा है, कैसा लगता है इस टाइम में, और कैंसिल बटन भी नहीं दबाया, तो सेल करो बाय करो कुछ भी करना है यहाँ पे। मेरे ख्याल से नेट स्लो हो रहा है, इसका वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो इसके वजह से वैसा भी हो सकता है शायद। देखिए सपोज मैंने कोई भी शेयर को इस स्टॉक प्राइस को बाय करने गया, तो मेरे को यहाँ पे एक निकाल देना राइट, स्किन को यहाँ पे बाय करना है, बाय करना ही है 25 प्राइस, मार्केट प्राइस में जा सकते हैं आप, नहीं तो ये एडवांस एसएल एसएम आफ्टर मार्केट, ठीक है, कवर्ड मार्केट, कवर्ड कॉल, ये अभी है, और शायद मेरा नेट स्लो हो रहा है तो इसको वजह से हो रहा है, सॉरी, इसको कटिंग बटन दे दिया, इसे फिर से मैं देखता हूँ, हाँ दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नेट स्लो है, बहुत स्लो चल रहा है, इसीलिए काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको किधर भी नीचे जाने के थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है आपको, यहाँ पे जाके फिर यहाँ देखो एक बटन है, इसको क्लिक करेगा तो दूसरा चार्ट में लेके चला जाएगा आपको,
ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है, मल्टीपल चैट आप ओपन नहीं कर सकता, और मेरा लेआउट इसको छेप करके रखा है। अपन का नाम लगाएगा ना तो फिर भी रिटर्न आ जाएगा, वो डे कैंडल में चले जाएगा, कैंडल भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। इस तरह से फ्यूचर मतलब फ्री है तो फ्री है भाई, और ये फ्री वाला नहीं है, पेड है, कुछ इंडिकेटर को ऐड कर सकता है। तो मैं बोलूँगा ये चार्ट बिल्कुल यूज ना करें ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है। चार्ट बहुत स्लो चल रहा है, बोला ना। अभी इसका मेन यूज क्या है मैं बताता हूँ आप लोग, आने वाले समय में शायद फ्यूचर अच्छा दे सकता है इसमें। अभी तो ऑप्शन से जो है देखो काम का लाइक नहीं है। अभी जो स्क्रीन में देख रहा हूँ, इसको कौन सा स्ट्राइक बाय करूँ अंदाज में, फिर इसको हिलाने में इतना समय लगता है। इस तरह से ऑप्शन से नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे लगभग 10 स्ट्राइक को रखना चाहिए तो जाके अच्छा रहता था। यहाँ पे जो फायर ने यूज़ किया है तो उस तरह से यूज़ करना चाहिए था, यहाँ पे चार्ट का ऊपर यूज़ करना चाहिए था ऑप्शन से। ठीक है, इस तरह से फ्यूचर को चार्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए था। अभी ये तो हो गया इसका फ्यूचर और प्लस ऑप्शन में, आप चार्ट बना के ऐसा बना के फिर यहाँ से भी आप क्या करना, चार्ट देख के, इसका चार्ट आ रहा है तो देख के सपोज इसका आपको सेल करना है, बाई करना है, तो इस तरह से बाई सेल कर सकते हैं। मार्जिन को थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये इशू है मार्केट प्राइस में, यहाँ पर इसको सेल नहीं कर सकता है। ठीक है, मार्केट प्राइस में सेल नहीं कर सकता है, आप मोबाइल में सेल कर सकता है। इस सिस्टम में बैंक निफ्टी फ्यूज कॉल को आप यहाँ पे क्लिक करते हो ऐड द मार्केट, ये मोबाइल में संभव है, इसमें नहीं दे रहा है, कुछ स्टॉक में दे रहा है, पता नहीं नेट स्लो है इसका वजह से नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है। इसमें यहाँ पे लिमिट लग गया राइट, फिर आपको हटा के भी लगा सकता और यहाँ से कुछ नहीं लगेगा। जो लिमिट लगाने के बाद आपके पास क्या हो जाता, मार्जिन इतना लगता तो आप प्लेस करेगा तो इसमें जाके आपको टिगर हो जाएगा। एक अच्छा चीज दिया मुझे मार्केट प्राइस में, यहाँ पे बाय करने के लिए कर सकता है, जब प्राइस को काटना पड़ता नहीं तो करने का जरूरत, यहाँ पे क्लिक करना जो मोबाइल में आ रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा है देखेंगे इसका, फिर इसको बाय करेंगे 25 क्वांटिटी। ये देखो मार्केट प्राइस में क्लिक कर रहा हूँ, सेल नहीं हो रहा है। अभी अगर मैंने ना स्टॉक में जाके देखेंगे, बाय करेंगे, हाँ यहाँ पे ना ये स्टॉक में दिया मार्केट प्राइस में, तो इन्हें क्या किया है फ्यूचर में जो भी वो मोबाइल का शब्द हो रहा है, मोबाइल में मैं दिखाएंगे इसका लास्ट में जाकर मोबाइल भी ऐड कर देंगे, वीडियो बना के उसके साथ ज्वाइन करके देंगे। ठीक है, मोबाइल में तो अभी मोबाइल इसमें नहीं लगाएंगे, तो इस तरह से आप इसमें सेल भी कर सकते हैं, सेल करने के फिर ये सेल भी ये स्टॉक निफ्टी फ्यूचर में आप इजीली कर सकता है ऐसा कुछ, फ्यूचर में जो फ्यूचर है इसको अगर हमें बाय करेंगे फ्यूचर को, फ्यूचर का मार्केट प्राइस में आप खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। मगर जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर मैंने सपोज इसको सेल करेंगे तो इसका मार्केट प्राइस में आप सेल नहीं कर सकता है, इसको लिमिट लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मार्केट प्राइस में आप सेल नहीं कर सकते, इसको लिमिट प्राइस में सेल करना है। स्टॉप अगर चाहे आप लिमिट में सेल कर रहा है तो ठीक है, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो ऊपर से जो आप ऊपर से माल खरीद रहा है तो वहाँ पे क्या करना है आपको स्टॉप लिमिट, ठीक है, यहाँ पे एडवांस में जाना, उसको एसएल कौन सा मैं जा रहा हूँ पता नहीं, ये कैसे कैसे सेटअप दे दिया। अब इसको मैं ना बाय करेंगे सपोज, इसको तो ऐड मनी नहीं, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, अगर मार्केट कितना में चल रहा है 35,047 चल रहा है राइट, 161 हमको लेना है 165 से, तो यहाँ पे क्लिक कर तो नहीं हो रहा है। एस एल मतलब स्टॉप लिमिट है, ठीक है, मोबाइल से जो बोल रहा हो इंटरफेस है ना नया है इसका, इस तरह से हमको ना हम एक काम करेंगे, मैंने तो रियल में इसको बाय सेल करने के लिए सपोज अगर मैंने इसको
का मल्टीपल चार्ट ऑन कर सकते हैं इसमें हम लोग, जो इस ब्रोकर में जो मैन्युअली इसको देंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ना इस साइड से आप यहाँ पे क्लिक करो और ऑप्शन में चले जाओ। इस तरह से ऑप्शन चेंज देना चाहिए था राइट, मगर वहाँ पे जो ऑप्शन चेंज दिए ना एकदम बगवास ऑप्शन से नहीं, उस कोई काम का नहीं है। हाँ यह चले आ गया। तो यहाँ पे हम ना अगर मैं इसको बाय करेंगे तो क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस हो रहा है राइट। तो यहाँ पे टिगर प्राइस हम कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकता है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है राइट, हम क्या किया पुट को बाय किया राइट, पुट को बाय करने वाला, तो मार्केट को ट्रेंड है सपोज यहाँ पे है, तो मैंने इसको अगर बाय करेंगे मार्केट नीचे का प्राइस से तो यहाँ पे लगाना है। तो क्या करना, उसको बाद आप बाय करें तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लग रहा है राइट, नीचे से खरीद रहा है तो, और ऊपर से खरीदने के लिए आपको क्या करना है, स्टॉप लिमिट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो यहाँ पे कौन सा दे रहा है, ये बाय प्राइस कर देंगे तो स्टॉप प्राइस, हाँ ठीक है वो ठीक लग रहा है, हम लोग की गलत किया है। तो यहाँ पे बाय दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लिमिट राइट, यहाँ पे मार्केट स्टॉप लिमिट नहीं आता। तो हम यहाँ पे अगर सपोज इसको बाय करेंगे तो यहाँ पे एडवांस में जाना है, आपको लग रहा है नहीं अभी 1643 है राइट, अभी यहाँ पे प्राइस मेंशन करना है आपको 165, आपको लग रहा है नहीं 166 में मार्केट आएगा तो मैं ले लेंगे, तो यहाँ पे ले लेना और क्वांटिटी है आपका बस और कुछ लेना। यहाँ पे ये सेल प्राइस, यह प्राइस पता नहीं इसको क्या है, ये सेल प्राइस नॉट बी जीरो, ये फिर कौन सा प्राइस आ गया भाई, ये सेल प्राइस, ये सेल प्राइस में कितना 160, अभी तो 167 हो गया, 169 लगा के देखेंगे। और उसके साथ हम लोग प्लीज द इंटर टिगर प्राइस विथ इज ग्रेटर देन, मैंने इसके ऊपर होना चाहिए 169.30 दे देंगे, टिगर प्राइस दिस बाय 139 के ग्रेटर देन बोल रहा है, फिर इसमें ऐसा क्यों कर रहा है, तो नहीं इसका सिस्टम थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे हम लोग टर्मिनल में बाय सेल करता हूँ, इसमें ना थोड़ा अलग है। तो 173 अभी नहीं लेगा, इसीलिए नहीं ले रहा है 173, हम 200 ही पकड़ लेंगे। चलो सारे इतना दिमाग ख़राब कर रहा है, सपोज ग्रेड 201 रुपया लेस देन, अभी ये बोला है लेस देन मतलब इसके नीचे होना चाहिए, तो 199 राइट, लेस देन बाई, अभी आपको समझ में आएगा लेस देन, अब फिर ग्रेटर देन क्यों बोल रहा था मेरे को, अगर 199 में आएगा सपोज 190.50 राइट, 40.50 तो भी आप बाय कर सकता है ठीक है, तो आपको प्लेस ऑर्डर हो जाएगा, तो प्लेस व्यू द ऑर्डर्स राइट, यहाँ पे ऑर्डर मैसेज भी आ गया, यहाँ पर रिजेक्ट ऑर्डर है, देखो 100.100, यहाँ पे ना पैसा नहीं है, पैसा मैंने डाला है 500, नहीं तो आप लोग को देखा था अभी ब्रोकर एक्टिवेट नहीं हुआ मेरा। तो इस तरह से यहाँ पे और आप व्यू देख सकते हैं ग्लोबल जो जाएगा, ग्लोबल का अगर ग्लोबल देखेंगे तो इस तरह से आप ग्लोबल यहाँ पे, सॉरी ग्लोबल नहीं यार, कीबोर्ड मार्केट वास यहाँ पे जाएंगे आप FIDI से ग्लोबल, ग्लोबल तो इधर है, तो इसमें व्यूज वॉल पता नहीं अभी इसको अपडेट किया हुआ शायद, इतना टाइम तो था इधर गिनर लूजर वीकली हाई लो, शायद मेरे ख्याल से एडिट कर रहा है लाइव मार्केट में ठीक है, पोजिशनल फेज में अभी काम चल रहा है, इसमें मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसमें ऑलरेडी काम चल रहा है। तो हम ग्लोबल इंडेक्स में जाएंगे
तो अगर मैं इसको छोटा करना पड़ेगा, पता नहीं इसका सेटअप कैसा किया। देखो ये इतना सेंसेक्स SGX निफ्टी इस तरह से ये इंटरफेस ऐसा दिया है, मतलब मुश्किल है। अभी ग्लोबल इंडेक्स तो इतना वर्ल्ड सेक्शन में जब जाता था ना, तो यहाँ पे ग्लोबल आ जाता था। अभी एक ग्लोबल हटा दिया है ऐसे, अभी देखा था मैंने जब पहला इसमें ऑन किया था, अभी ना ग्लोबल यहाँ से हटा दिया है ना। इसका मेन रीजन क्या है, देखो बाय सेल करने के लिए, अगर बाय करो सेल करो कुछ भी है आपको मार्केट या एट द मार्केट फ्यूचर में कर रहा है तो ठीक है, अगर आप कोई ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मार्केट ऑर्डर में यहाँ पे प्लेस नहीं होगा, आपको मार्केट एट द मार्केट ऑर्डर में प्लेस नहीं होगा। अगर मोबाइल में होता कि नहीं होता पता नहीं, इसमें तो मार्केट ऑर्डर में प्लेस नहीं होने देगा आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, एडवांस ऑप्शन में जाना, आपको लग रहा है ऊपर से खरीदना है तो ठीक है, नीचे से खरीदना है तो ठीक है, नहीं तो आप और एक तरह से इसको कर सकता है, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना आपको। जब अब यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस जा रहा है तो उस पे स्ट्राइक 35,200 राइट, तो यहाँ पे जाना है और एक इसको क्या करना, आपको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करना है, आपको क्या करना बिट क्वांटिटी आज क्वांटिटी राइट, 20 बिट मतलब बाई सेल, तो आपको क्या करना बाय करना है। तो आप क्या कितना 173 है, अगर 173.60 पॉइंट हाँ हमको खरीदना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना, बस क्वांटिटी प्लेस होगा एट द मार्केट, इस तरह से आपको मार्केट ऑर्डर में प्लेस हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, उस तरह से मार्केट ऑर्डर में प्लेस नहीं होगा, आप वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, मोबाइल से हो सकता है हो जाएगा मगर इस तरह से आपको मार्केट ऑर्डर में प्लेस हो जाएगा। हमको क्या करना 173 राइट, अभी 173 यहाँ पे नहीं है तो 172 चल रहा है, 172.50 पैसा, 172 में 5 पैसा राइट बाय कर देंगे, एट द क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पे 25, जो भी क्वांटिटी आप उठाएगा तो मार्जिन में आपको क्लिक करना है। ये इशू है इसका, नया नया है तो नया नहीं है, 20 साल के मार्केट में थोड़ा मार्जिन में थोड़ा सा मतलब ये मोबाइल से ना एकदम स्मूथ चलता है यहाँ पे, और हो सकता है अच्छा चल सकता है मगर मेरा जो नोएट चल रहा है इस बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो फिर एडवांस में जाके आपको सीधा प्राइस मेंशन, यहाँ मार्केट ये जो प्राइस मेंशन होगा यहाँ पे मार्केट आप यूज नहीं किया, मार्केट यूज करेगा तो फिर क्या होता, आपको कोई भी स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे बाई हो जाएगा, कोई भी स्ट्राइक प्राइस में। हमको लाइक नहीं, अभी मार्केट 167 चल रहा है, अभी 167.45 तो 179 हो गया, हमको खरीदना है 179, 168, 166 40 पैसा राइट, 20 पैसा 40 पैसा ज़्यादा, वो भी वो ऐसे इस तरह से नहीं लेना, इस तरह से ले लो तो फिर क्या होगा, आपको 25 क्वांटिटी इस तरह से लगा देना और फिर आपको मार्जिन में इस तरह से मार्जिन, फिर मार्केट ऑर्डर नहीं तो ये जो प्लस ऑर्डर कर रहा है तो ये होता, अगर आप मार्केट का मतलब नीचे है तो 166 राइट, अभी 165 चल रहा है तो आपको ये ऑर्डर टिकर तुरंत मार्केट ऑर्डर में प्लेस हो जाएगा क्योंकि आपका नीचे में मिल रहा है राइट। यहाँ पे तक तो 165, 163, 166 ये तुरंत आपको मार्केट ऑर्डर में प्लेस कर देगा क्योंकि आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर यूज कर रहे हैं, लिमिट ऑर्डर इसका मतलब मार्केट नीचे होने से आपको बाय होगा, तो 166 आप जब करेगा तो ऑलरेडी वो मार्केट प्राइस में टिकर हो जाएगा, आपको मार्केट प्राइस टिकर करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। हाँ, अगर इसका कम प्राइस देना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कम जो स्टॉप लिमिट जो नीचे होना चाहिए जैसे 160, 160 रुपये में आपको लेना है तो क्या करना, आप इस प्राइस को यहाँ पे बाय कर सकता है। ठीक है, एडवांस जाना है, एसएल बेसल कुछ नहीं लगाना पड़ता यहाँ पे, इस तरह से ये ना बहुत सारे इशू कर रहा है। तो सपोज हमको मार्केट ऑर्डर में खरीदना है, हम यहाँ चले गया, हमको क्वांटिटी 25 लेना है, प्राइस कितना है चले मार्केट, ये पता नहीं नेट का इशू हो रहा है क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे, हो सकता है नेट का इशू हो सकता है, यहाँ से एक बार दे रहा है तो नहीं दे रहा है, अभी मार्केट प्राइस आ रहा है, इधर ग्लोबल हटा दे रहा है, काम चल रहा है, मेरे ख्याल से ये वर्क कर रहा है यहाँ पे।
ठीक है, तो इंडेक्स व्यूज द वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स, यहाँ पे एक डबल गेनर लूजर, तो जो भी है ना इंटरफेस उतना अच्छा नहीं बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। इंटरफेस मेरे लिए एकदम डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में इसमें ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर मार्केट प्राइस में आएगा तो ठीक है, मार्केट प्राइस में आप सेल कर दो इस तरह से, ठीक है। आपको नहीं लग रहा है तो आपको नीचे से खरीदना है, ऊपर से खरीदना है, जिस तरह से यहाँ पे होता है। देखो अभी मुझे लग रहा है नहीं यार, मेरे को मार्केट अच्छा खासा डाउन आ गया, तो मैं ना नीचे से, अगर सपोज मेरे को नीचे से खरीदना है तो मैंने यहाँ पे बाई करेंगे, इसको बाई करके यहाँ पे टिगर जब कर देंगे तो क्या होगा, अपना प्राइस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। अगर मेरे को लग रहा है नहीं मेरे को थोड़ा सा ऊपर से खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाके, यहाँ पे अगर हम बाई करेंगे बाई, ठीक है, बाई का खाली इसको हटा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो अभी ये प्राइस हाई चल रहा है, 183 में चल रहा है, तो नहीं लेगा टिकर। तो अगर सपोज यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे हमको बाई करने से 193, राइट, हमको ये टिकर प्राइस हटाना है। ये क्या हो गया, ये ऊपर का जो है स्टॉप लिमिट ऑर्डर हो गया है, ठीक है। तो स्टॉप लिमिट ऑर्डर जब हो जाता है तो हम बाई कर सकते हैं। अगर नीचे से क्या करेगा, नीचे का लिमिट प्राइस में हम खरीद सकते हैं, ऊपर का स्टॉप लिमिट। सेम इसी का ऑपोजिट होता है, अगर कॉल पुट जो अगर इसको सेल कर रहा है तो उसका ऑपोजिट होता है। तो इतने सब बात है। और यहाँ पे मेन रीजन क्या है, आपको जो इंटरफेस है, इंटरफेस में देखो काफ़ी कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे एम टू। और ऑप्शन में अगर सेलिंग करे तो वहाँ पे जीरो बताता, बोल रहा है मेरे को एक ट्रेडर, तो मैं वहाँ पे उतना कॉन्फिडेंसली यहाँ पे नहीं कर सकता। अभी इस ब्रोकर में काम होना बहुत बाकी है, मतलब अगर इसको कुछ नहीं दिए तो भी चलता, बस बाई सेल का ऑर्डर हो जाता, बस हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए इसको। टर्मिनल में आपको थोड़ा सा एक दिन प्रैक्टिस करना है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और मोबाइल में प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, उसमें समझ में आ जाएगा क्लियरली। उसमें मैं मतलब अच्छा है मोबाइल का ऐप्स, ठीक है, और डेस्कटॉप का मेरे लिए एकदम बकवास लगा है, इसका कोई मतलब मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल। क्योंकि ये नहीं तो एक चार्ट, एक अगर देखो कोई भी चार्ट ओपन करूँगा, सपोज इसमें से ही जाएंगे, चलो यहाँ पे तो चार्ट देख के बाई सेल कर सकता है। अगर मैंने इंडेक्स का चार्ट ले लिया तो आपको इंडेक्स का चार्ट उसका अंदर नहीं खुलेगा, उसको अलग से लेयर में क्रोम ब्राउजर साइड ब्राउजर में लेके जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आने का मतलब मेरे क्या है, इसको ऐसे ट्रेड कर पाएंगे नहीं। इंटरडे के लिए आपको एक्सपीरियंस, मतलब जो यहाँ पे क्या बोलता है उसको, स्कैल्पिंग जो करता है उसके लिए ब्रोकर नहीं, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए ये ब्रोकर नहीं है उसके लिए, क्योंकि इतना इंटरफेस है ना कंट्रोल नहीं करता है उस स्कैल्पिंग के लिए। उसके लिए फायर है, उसको फायर है, उसके बाद धन ऐप है, उसको स्कैल्पिंग के लिए ये ठीक है, क्योंकि ये मिली सेकंड के अंदर काम हो जाता है। और ये एकदम ही है, इसको ना ऑर्डर प्लेस करो, ठीक है, हाँ मार्केट प्राइस में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमको ना इस तरह से काम नहीं करना, हम थोड़ा ऑप्शन सेलर है, हमको क्या करना, एक बाय करना, यहाँ से वहाँ पे एक सेल करना, वहाँ पे एक बाय करना, वहाँ एक सेल करना, तो इस तरह से हमको 7-8 ले जाता है हमारा शेष। 700 ब्रोकर सही सही बाय करो तो एक सेल करो तो 50 रुपये लगता, दो ले तो 100 रुपये लगता। तो अगर मैं हर रोज 200-300-400-600 रुपये बचा लेता हूँ तो मेरे को ये मेरे लिए ठीक है। मेरे हाई मेरे इसका जो वी प्लेटफॉर्म है, मेरा कोई काम का नहीं है, ये बता रहा हूँ, मेरे लिए कोई काम नहीं आता यहाँ पे। मेरे लिए कौन सा काम आता, बस ब्रोकर चार्ज कम है, बाई सेल करना, इतना ही काम है मेरे को, और कुछ नहीं है इसमें। प्रॉफिट लॉस है वो तो अपन को हो ही जाएगा, थेटा टाइम डी के मिल जाएगा, तो चाहे फायर करो, जीरोधा करो, कुछ भी करो, अपन को काम कैसे भी चल जाएगा। हाँ इसमें चार्ट देखने के लिए हमारे पास है ना, फायर है, जीरोधा है, फिर शेर खान है, SBI सिक्योरिटी है, SBI सिक्योरिटी को बोलो, वो तो सब है, इससे भी बेकार है साला, ठीक है। SBI देखो चार्ट देखने के लिए हमारा पास ये है। ये एक बात बताओ, यहाँ पे जो चार्ट दिया है ना, इससे हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट फ्री में यूज करना उससे 110% अच्छा है साला। ये चार्ट में क्या होता है दिखाता हूँ,
60 में अगर आपका खुद का नाम नहीं सेव कर सकता है, ये मीरा का जो वो अपना ओन जो चलाता है उसी का लिंक दे दिया, बस सेटअप कर दिया, फ्री है तो फ्री है भाई। हाँ, इससे अच्छा था फ्री ट्रेडिंग व्यू का फ्री चार्ज देना था तो और भी अच्छा है। इसमें कुछ इंडिकेटर को ऐड कर सकता है मगर वो सेव नहीं रहेगा भाई। जो इंडिकेटर आपको लगा दो बोलिंजर बैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अभी उसको रिफ्रेश करेंगे हो जाएगा ख़त्म, खेल ख़त्म भाई उसका। देखना अगर मैंने इसको जाके दिखाएंगे, अभी बैंक निफ्टी में जाएंगे, अभी शायद मेरे ख्याल से पता नहीं इसमें कैसा आ गया, इंडिकेटर रहता है। अभी तो उस टाइम में सेव किया था, ख़त्म हो गया था, अभी कहाँ से आ गया भाई। चलो आ गया तो ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे सेव द लेआउट, बस खाली इसका लेआउट दे देता ना मुझे ऐसा लगता, क्योंकि दूसरा ब्रोकर का पास जाना ले लगता। अभी इसका लेआउट दिया नहीं, मल्टीपल चार्ट देखने के लिए फायर यूज़ करना पड़ेगा और नहीं तो हमारा जीरो दा यूज़ करना पड़ेगा। अभी कौन सा यूज़ करो कौन सा भी करो, आपको दूसरा ब्रोकर पकड़ना ही पड़ेगा। इसमें ना लेआउट एक जगह मल्टीपल चार्ट आपको एक का अंदर नहीं आएगा, ठीक है। आप जब ये क्लिक करो, यहाँ साइड में बटन नहीं कुछ नहीं, हटा दिया सबका सब, ख़त्म। ठीक है, आपको इंडिकेटर लेना है MOVING, कहा है मूविंग एवरेज, मल्टीपल मूविंग एवरेज, मल्टीपल लेंगे और उसके बाद हम लेंगे VWAP वॉल्यूम एवरेज प्राइस, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट लेंगे VOL वॉल्यूम प्रोफाइल वॉल्यूम ट्रेंड वॉल्यूम बोलेंजर वॉल्यूम वर्शन प्राइस वॉल्यूम ट्रेड। अरे यार ये नहीं, अभी ये तो कौन सा है, BOLU, भाई चार्जेस ये है वॉल्यूम प्रोफाइल, अभी आ गया तो हमारा इंडेक्स चार्ट में ये यूज़ नहीं होता है, हम इसको सेव कर देंगे। ऑलरेडी सेव हो गया था, सेव द टर्मिनल। ये अगर हम ना अभी मेरे को काम करना है, यहाँ पे मल्टीपल चार्ट है, यहाँ पे एक बार में सेट करना है ना सारे। मल्टीपल चार्ट देने से क्या होता है, आपको ये जो नीचे 4, 5, 6, 7 ये जो फ्री है तो इसका जब दिया लेआउट तो देना चाहिए ना, इसको फ्री दे रहा है आप तो उसको देना चाहिए लेआउट का, जब उसको भी तो वो भी तो फ्री आता, ये भी तो देना चाहिए था आपको। या आप अगर नाम लिखेंगे तो वो देखना, अभी नाम लिखेंगे देखो, सपोज हाँ अभी मेरा नाम लिखा है यहाँ पे, देखेंगे कितना टाइम रहता है, मैं रिफ्रेश करेंगे अभी आके फिर काट करेंगे उसको, होगा एक बार इसको देख लेंगे। हाँ सेव कर देंगे, यहाँ पे जब भी आएगा तो यहाँ पे सेव हो जाएगा, मैं काट करेंगे और इसको भी काट कर फिलहाल के लिए, अभी मैंने चेक करेंगे फिर इसको रिफ्रेश करेंगे, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है चलो रिफ्रेश करके आता, अभी हम टेस्ट करने वाला है इसको। देखो ब्रोकर चार्ट्स बिल्कुल फ्री है तो हम इसको भरोसा कर सकते हैं। ये मीरा एसेट है जो लॉन्ग टाइम 25 ईयर से मार्केट है, ग्लोबली ब्रांड है, ठीक है, और इसको इंटरेस्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। सेबी रजिस्टर्ड है, NSE, BSE जो भी है सबका रजिस्टर्ड है। तो हम ना यहाँ पे जाएंगे, अभी सब रेट चल रहा है रेट, अभी हम क्या करेंगे इसके कोई भी ऑप्शन एक इंडेक्स का ले लेंगे। इंडेक्स को हम फिर से लेंगे, उसमें हम देखेंगे
अभी मेरा 1 डे का टाइम फ्रेम आ रहा है। देखो ये मुझे ना बेकार दिमाग खराब होता है यहाँ पे, मुझे एक बात दिमाग खराब होता है, यही होता है यहाँ पे, यही डिसएडवांटेज है। हमने वहाँ सब कुछ हटा दिया, हाँ यहाँ पे सब कुछ हटा दिया, ये दूसरा ब्रोकर के साथ में नहीं होता है, जब भी देखो फिर से हटाना पड़ेगा। सेव कर दिया एक बार, फिर इसको क्या हो गया फिर भाई, ऐसा हो गया। देखो अभी ये इसको टर्मिनल में सेव हो गया, मीरा एसिड नाम भी चेंज किया था यहाँ पे, देखो ये मेरा वाला है। ये भी तो ऐसा हो गया, वो खाली नाम में मेरा नाम है जो सेव किया, तो भी तो हटाएंगे एक बार और बाद में जाके फिर टेस्ट करेंगे उसको। साला ये कभी नहीं, ये क्या है अपना मतलब, एक बार सेफ है जो इंडिकेटर, तो 5-6 इंडिकेटर हमें यहाँ पे नहीं ले सकता है, हमको काटना पड़ेगा भाई। ये हम जीरो द फायर नहीं यूज़ कर रहा, इसको इंडिकेटर को हमको लेना है, तो बोले तो ये MOVIN मूविंग एवरेज, खाली मूविंग एवरेज लेना है हमको यहाँ पे, और कुछ नहीं करना भाई, ये की मूविंग एवरेज और मल्टीपल लाना है, तो यहाँ पे इनपुट द 9 हमको 200 का चाहिए, बस खेल खत्म। हमको सेव करना है इसको, काट कैसे करा जाता, टर्मिनल बेस में इसको डिलीट कर देंगे साले को, राइट। अभी ना इसको सेव करेंगे, 24 फीवर, ये छेड़खानी नहीं करना, इसको 100 to 200 मूविंग एवरेज, ये वही है मल्टीपल वाला है, इसको काट कर देंगे। इंडिकेटर को फिर से अप्लाई करेंगे, ये इसका डिस एडवांटेज है, मतलब फ्री में यूज करता, फ्री है भाई, फ्री है तो फ्री है। लेआउट सेव, लेआउट नाम लिखेंगे रॉय, राइट रॉय लगा दिया। अभी मेरा इंडिकेटर होना चाहिए, अभी जो है इसमें दोबारा नहीं आना चाहिए। चलो इसको काट करेंगे, सेव हो गया। अभी फिर से मैंने बैंक निफ्टी में जाएंगे, अभी ट्राई करेंगे, अभी वो 200 का 200 ही आएगा, 1 मिनट इंडिकेटर दिया और डे कैंडल को चेंज नहीं होता, वहाँ वही आएगा। अभी 5 मिनट में या वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक नहीं है, ये इंडेक्स है। अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल देखना है तो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर को चार्ट देखना पड़ता, जिस तरह फ्यूचर को खोलने के लिए ये टर्मिनल में खोल जाता, फिर इसको से आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं फ्यूचर चार्ट को देखने के लिए। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, मैं जल्दी काटने का कोशिश करूंगा। ये डे कैंडल है भाई, डे कैंडल से यही दिक्कत होता है, डे कैंडल में जब तक खाली ये मतलब क्या होता है, मैं इसको ये कौन सा भाई टर्मिनल है, यहाँ पे कौन सा सेव कर दिया भाई, वो कौन सा इंडिकेटर आ गया, फिर कोई एक्स्ट्रा तो इंडिकेटर नहीं था मेरे ख्याल से, एक्स्ट्रा एक इंडिकेटर था होगा, वो 4-5 इंडिकेटर ऐड किया था ना, और मेरा वाला इंडिकेटर को है यहाँ है, तो इसका अंदर ये कहाँ से आ गया भाई। डिलीट, फिर से इसको सेव करेंगे, ये तो मोबाइल में भी आएगा, ये कौन सा इंडिकेटर, प्राइस एक्शन इंडिकेटर है मेरे ख्याल से, तो इस तरह से आप देख सकता है। 200 ले लेना, अब इसमें टैबलेट सेव करेंगे, इसको तो पहले डिलीट करेंगे भाई, फिर सेव करेंगे और नया वाला। वेट, अभी हम लोग को इंडिकेटर हो गया, अभी सपोज ये हमारा ये अप्लाई करेंगे तो अभी आ जाएगा, वो इंडिकेटर हट गया। अभी वॉल्यूम प्रोफाइल को हम देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी ना मैंने इसको फिर एक बार रिफ्रेश करेंगे,
और एक बार टेस्ट ट्राई करेंगे क्या होता है। वो मल्टीपल में वो ना क्या होता है, उसमें कलर मलर कुछ नहीं होता, वैसे जैसा है वैसा आ जाता है, बहुत दिक्कत होता है फिर ये। और डे कंडे ला के खड़ा रहेगा, चलो डे कंडे लाए तो कैसे भी ले लेंगे। मतलब ये शर्ट बिल्कुल, मतलब मुझे ना यहाँ पे फिर से वही आ गया, इसको बोलने का क्या यार, वन डे कैंडल आ जाता है, 5 10 मिनट्स 15 मिनट्स कैंडल रहेगा, सेव करता बार बार, इसको कैसे सेव करेंगे। मैं तो बिल्कुल इसको ना डेस्कटॉप यूज़ नहीं करेंगे इसका, इसको डेस्कटॉप जब अच्छा होगा तभी यूज़ करेंगे। भाई ये क्या है, ब्रोकर फ्री है, कैसा भी चला चल जाता, उसमें क्या है इसको, उसीलिए इसको मैंने बाय किया है, और लाइफ टाइम फ्री है, और एक दो ट्रेड करे तो निकल जाएगा भाई, 2 3 हज़ार का मेरा उसमें क्या होगा, एक दो ट्रेड करेगा तो ब्रोकर चार्ज बच जाएगा, तो हम निकालेंगे कुछ भी करेंगे अपना। हाँ ठीक है, और स्कैल्पिंग करने के लिए ब्रोकर बिल्कुल आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल चार्ट आप यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते, आपको करना है जीरोदा वाला, नहीं तो फायर वाला, नहीं तो कौन सा भी ब्रोकर जो मल्टीपल चार्ट आपको देता है तो उसको पहुँचा जाना, जो आप डिमांड अकाउंट खोलना किधर भी, फिर इस तरह से मल्टीपल यूज़ करो। ठीक है, जैसा अभी हम यहाँ पे चार चार्ट लगाएंगे, हम आराम से बैठ के ट्रेड कर सकता है इस तरह से इजीली, मतलब एक अच्छा का एक एक्सपीरियंस रहता, फीलिंग रहता, एक मज़ा आता ट्रेड में। और यहाँ पे क्या होता है, मज़ा तो किया कम से भाड़ में, आपको यहाँ पे खाली बस खरीदना बेचना, थोड़ा ऑप्शन सेलर के लिए ठीक है, ऑप्शन बायर जो है जो डायरेक्शनल ट्रेड करता है, स्टॉप लॉस लगा के लिमिट प्राइस लगा के ट्रेड करता है, उसके लिए ठीक है। तो रताना बाय सेल करना, यहाँ पे क्विक सेकेंड मिलीमीटर का मतलब क्विक मिली सेकेंड के अंदर काम होना, तो आपको फायर आना चाहिए, नहीं तो जीरो दम है, नहीं तो अदर्स ब्रोकर में आपको देखना चाहिए, उस ब्रोकर में आपको मिली सेकेंड का काम अंदर होने वाला नहीं है। ठीक है, मिली सेकेंड में आपको खत्म आप नहीं कर सकता है, उतना फास्ट काम नहीं होगा, मोबाइल से भी करेगा तो भी बाय सेल करते करते आपको निकल जाएगा। आप आराम से ट्रेड करना है, एक स्टॉप लॉस लगाना, टेक प्रॉफिट लगाना, बैठ जाना, वो ठीक है, तो ये हमारे लिए ठीक है, आपके लिए क्या पता नहीं, और जो बिगिनर है उसके लिए भी ठीक है। ब्रोकर है चार्ज कुछ नहीं है, बस वन टाइम 2500 पे कर दो। हाँ एक बात बता रहा हूँ, इसमें जो ब्रोकर आप 2500 पे कर रहे हैं, आप कितना है वो मैं देख के फिर बताता हूँ। अभी ये वाला राइट, अब जब मैं पे किया इतना है, आप सब बोलेगा 999 है, तो 999999 में क्या होता है, वो लाइफ टाइम ब्रोकर से फ्री होगा। फिर आपको 149 में क्या होता, हर 3 महीने में पैसा कट करेगा, क्या भाई दिमाग खराब है, एक बार में 900 दे दो ना फिर खत्म हो जाएगा, फिर 2000 दे दिया तो पूरा, फिर 400 रुपये GST कट दिया, 2600 रुपया, बस 2500 रुपये, खेल खत्म, जिंदगी का खेल खत्म। 40 साल जितना दिन जियो उतना दिन ट्रेड करो, कुछ भी करो भाई, और 25 कंट्री में ही अवेलेबल है। ठीक है, कुछ भी करो। और अभी इसका ये वीडियो के अंदर मैंने इसको नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसका ऐप्स मैंने वीडियो अपडेट कर देंगे। थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, यहाँ पे खाली बाय सेल करना और कुछ नहीं करना, ये टर्मिनल आप यूज़ नहीं कर सकते, इतना अच्छा नहीं है टर्मिनल। ठीक है, और मोबाइल से ट्रेड करना, मोबाइल में बिल्कुल स्मूथ है, और यहाँ पे फायर का देखना है, इस तरह से आपको ये काट दो, ठीक है काट दो, या फायर का आपको बड़ा करके देखना है, सॉरी यहाँ पे इस तरह से नहीं, इस तरह से आप बड़ा करके देखो, ये मल्टीपल चार्ट देखते रहना और अपना मोबाइल से ट्रेड लेते रहना, जो फ्री ब्रोकर है फ्री है सब कुछ, मजा ही लगे। आजकल से ब्रोकर चार्ज नहीं लगने वाला है। हाँ आगे वाले टाइम में आपको क्या है, बास्केट ऑर्डर आने वाला है, ZDD ऑर्डर में मिला है, तो अब फिलहाल के लिए थोड़ा सा अपना खरीदना बाय सेल करना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कि एक एक क्वांटिटी बाय करना, एक सेल करना, एक बाय करना, एक सेल करना, इस तरह से करना पड़ेगा। और बास्केट ऑर्डर में हो तो क्या होता है, एक बार में बास्केट ओवर, प्लीज क्लिक खत्म खेल, तो इस तरह से आगे वाले टाइम में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, और इसमें नहीं तो एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग के लिए आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगा IPU, जो फायर में फ्री करता है, जीरो दर में चार्ज करता है, तो वो चार्जिंग ना थोड़ा सा स्प्रीड होता है, इंजल ब्रोकर में जो चार्ज लेता है ना उसका स्प्रीड भी उतना आता है, एक भाषा बंगाली भाषा में एक है, जितना गुड़ है उतना मीठा है, तो ये भी ऐसा ही है।
तो थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, और लाइक एंड सब्सक्राइब, और मेरा लिंक में जो ये इसको बैंक अकाउंट को मतलब इसको खोलेगा उसको मेरे तरफ से 100 रुपीज़ गिव है, मतलब मेरे तरफ से 100 रुपीज़ उसको दे देंगे। अगर वो 99 पे करे, चाहे कितना भी पे करेगा, वो 99 पे करना है, चाहे लिंक से अकाउंट खोलेगा तो भी मैं आपको 100 रुपये देने वाला हूँ मेरे तरफ से। मैं आपको गूगल पे कैसे भी लेना है आपको दे देंगे, ठीक है। मेरा लिंक से खोलना चाहिए अकाउंट, तभी होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। टेक केयर, बाय बाय।